उसमें भरा जाएगा, पर्दे उठा के भाई इसमें। तभी तो दो एंगल उठाने। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9, इस टाइम तक मैं कॉलेज निकल जाता हूँ और अभी मैं लेट सो के उठा तो लेट ही तैयार हुआ हूँ। तो भाई जल्दी जल्दी से मम्मी ने खाना पीना बना दिया, जल्दी से रख लेता हूँ, जल्दी से खा पी के निकल लेता हूँ। आज एक फ़ायदा है कि मुझे बैग लेके नहीं आनी, मेरा फ्रेंड बैग लेके आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम मेरा बच जाएगा। तो फिलहाल तो चलता हूँ अंदर, कुछ नाश्ता पानी कर लेता हूँ मैं, हमें कुछ खाने के लिए दे दो। तो फिलहाल आज मेरी तो चाय आ गई है मस्त, तो चाय वाय पी के नाश्ता करके अभी थोड़ी देर में निकलते हैं कॉलेज की तरफ। हो फिलहाल तो गाइस चाय वाय पीने के बाद मैं आगे अपने रूम में मैं देख रहा हूँ कुछ छूट तो नहीं गया कि वहाँ जाके पता चला है कि मैं ये छोड़ा है कि वो छोड़ा है। वैसे कुछ छूट तो नहीं गया, बाकी सब मैंने बैग में रख लिया। तो बस अभी कल के आने का वेट है, वो आएगा, वैसे हम लोग निकले हैं कॉलेज। तो भाई अब हम लोग का सेम शेड्यूल हो गया है, सुबह कॉलेज जाना, वहाँ से लौट के आना, फिर अपने काम पे जाना, बस यही रहेगा शेड्यूल। क्योंकि कुछ दिन तक तो यही रहेगा कि कॉलेज खुल गए हैं ना, सेमेस्टर तो चल रही है ना आगे। तो आज मेरे को थोड़ी सी ना ठंड लग रही थी इसलिए मैंने ना ये टी शर्ट डाल ली। कल शर्ट में गया था तो बाइक चलाते पे मुझे ना ठंडी लग रही थी तो इसलिए, तो आज मैंने ये डाल लिया। अभी तो मैं बाहर आ गया हूँ, बाहर का नज़ारा देख रहा हूँ, पूरी गली सुनसान, तो मैं वेट ही कर रहा हूँ उसके आने का। पहले तो मैंने उसे मैसेज पर बोल दिया कि 9:15 के बाद आना और मैं जल्दी तैयार हो गया, तो अभी बस वेट कर रहा हूँ मैं काफी देर से। आज हम लोग आ गए अब कॉलेज। तो भाई पालाल भी मैंने ठीक कर लिए हैं और जैसा कि डेली की तरह यहाँ पे अभी गेट बंद है तो हम लोग बाहर खड़े हुए धूप में इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली आज हम लोग की क्लास हो गई है ओवर, लंच भी हो गया, खाना पीना खा लिया, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे पानी पीने के लिए। भाई 4 घंटे लगातार क्लास चल रही, थक गया, भूख भी लगी थी तो काफ़ी तेज, तो अभी भी खाना खाया तो अभी नीचे जा रहा हूँ। तो फाइनली पानी आने तो पी लिया मैंने पीछे, अब इधर देखो कितने सारे, ये वाली क्लास पूरी खाली करी आती है, लाइब्रेरी जो इसकी है इसके अंदर तो सारी कुर्सियाँ और चेयर निकाल के बाहर फेंक दिए है, कहीं और शिफ्ट की जाएंगी। फिलहाल तो पानी पीने के लिए हम लोग को यहाँ से यानी से 3 फ्लोर नीचे आना पड़ता है। 2 hours later. कहाँ फंसी चिड़िया? चिड़िया फंस गई, क्या कह रहा? अरे वाह, सफेद सफेद सुसु पॉटी चिड़िया की है। पूरी क्लास खाली पड़ी है, हम ही लोग इसमें राज करेंगे यहीं पे लेट लेट के। भाई 1 घंटे का लंच, अब यहाँ पे लेट के थोड़ी देर आराम करेंगे। भाई अंदर लॉक लगा हुआ है, इसी के अंदर हमारा वर्चुअल बोर्ड है, वैसे आधा आधा दिखाई दे रहा है, अगर कोई हरकत करना चाहे तो उधर से कर सकता है। तो भाई लंच हम लोग का चल रहा है और भैया के यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है। फोटोग्राफी इधर के साथ में खड़े हुए, तेरी फोटो खींचा चलेगा, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, क्या देख रहा भाई। चलो भाई अब लोग का हुई है क्लास, अब लेव लेनी है, पहले जाते हैं वॉशरूम। पता नहीं भाई, पहले तो सुसु कर लो उसके बाद देखते हैं। अब भाई लैब और ढूंढनी पड़ेगी, लैब ढूंढ नहीं है, पहली पहली बार है, हमेशा थोड़ी ना रहेगा ऐसा, लैब और ढूंढो भाई कहाँ लगेगी। ऐसे ही है भाई, हम इंजीनियर उधर ही होगी, सब लोग उधर ही जा रहे थे, अब जा रही लैब, इसमें भरा जाएगा, पर्दे उठा के भाई इसमें। तभी तो दो एंगल उठाने करनी का। भाई आ गए हम लोग लैब। भाई ये क्या सर, इतनी बड़ी क्लॉक किसके लिए है? ये इसलिए है कि जब आप पेपर देंगे आप कितना प्रेशर बढ़ेगा। ये टेलीस्कोप जैसा कुछ लग रहा है भाई, क्योंकि टेलीस्कोप जैसा लग रहा है, इस तरफ से कुकर उस तरफ ज्यादा सुनाई देगी। अच्छा तो जो मटेरियल लेके आए हैं वो इस मशीन में चेक करना है भाई, टिल्टिंग वाला कुछ है, अब इस पे यहाँ से चेक होगा, इससे प्रेशर पड़ेगा। घर पे लेंटर पड़ा था जब यही मशीन आई थी भाई मेरे घर पे। और क्या,
कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। अरे जब वो पढ़ा था बीबी टेस्ट था ना, इसमें ये दोनों जो एक सेम सेम डायमेंशन के होते थे, एक नीचे वाला अलग हुआ करता था, याद है? ये उसमें था कंक्रीट में। हाँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी में था ये। लिया फिलहाल का 4 बज गए हैं, तो बस अब घर की साइड निकल रहे हैं। काफी थक गए हैं भाई लैब कर करके। तो फाइनली गाइस अब मैं आ गया हूँ घर पे, काफी थक गया हूँ, हेलमेट भी रख दे रहा, मम्मी से बोल के चाय बनवा लेता हूँ। 4 बज गए हैं तो चाय वाय पी लेता हूँ थोड़ी। फिलहाल तो आ गया अपने कमरे में, अब चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद मस्त चाय पियूंगा अपने। थक गया हूँ तो थोड़ा सो भी जाऊंगा, शाम को उठूंगा 2 घंटे बाद। फिलहाल तो गाइस मैं आ गया नीचे, ऊपर बहुत सारे बर्तन हो गए थे तो वो लेके नीचे आ गया। वैसे तो मैंने सोने का प्लान बनाया था लेकिन कोई मुझे इतनी आसानी से सोने दे तब ना, इतना शोर ही हो रहा था तो मैं सो भी नहीं पाया। तो फिलहाल तो नीचे आ गया हूँ, टाइम हो गया 5:30, तो अभी बैग वैग निकलता हूँ थोड़ी सी साफ करो, तो गंदी हो गई है उसके, मुझे थोड़ा सा बाहर काम है। तो फिलहाल गाइस मेरा टाइम हो गया बाहर जाने का, 6 बज गए, तभी मैं चलता हूँ काम करके आता हूँ अपना। 2 hours later. तो फिलहाल तो गाइस मैं काम करके आ गया था अपने घर पे, लौट गया तो अभी मुझे थोड़ा सा लैपटॉप पे काम है, अभी मैंने इसको ओपन किया है तो थोड़ा सा ये काम कर लेता हूँ, उसके बाद भूख लगी है खाना पीना खा लेता हूँ। तो फिलहाल गाइस चलता हूँ नीचे, मम्मी ने खाना बना लिया, आवाज़ लगा रही है वो, काफ़ी देर लैपटॉप चला लिया तो टाइम हो गया खाना खाने का, काफ़ी देर भूख भी लगी है। हाँ तो खाना पीना खाने का फिलहाल तो आज गाइस आ गया मैं अपने रूम में। तो अभी ना कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट हो गई है तो मुझे भी करनी पड़ेगी, तो कुछ किताबें ताबें निकाल लेता हूँ, पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ा बहुत तो आज पढ़ लेता हूँ जो भी क्लास में पढ़ाया गया। और मेरी 2 आज लैब भी लगी होंगी, तो आपने देखा होगा इसी वाली वीडियो में कि सुबह मेरी लैब लगी थी तो उस सब का भी थोड़ा सा काम है, लैब मैनुअल वगैरह भी थोड़ी बहुत लिखनी है तो सब मैं कर लेता हूँ सोने से पहले। इधर कुछ मेरी लैब मैनुअल्स होंगे ना, इनको ढूंढ के निकाल ले रहा हूँ मैं भाई, कहाँ पड़ी हुई होंगी होंगी। चलो एक तो मिल गई और एक ही रही, चलो 2 मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा। कल गाइस मैंने तो अपनी किताबें ताबें लैपटॉप वैपटॉप सब खोल कर रख लिया है, अब थोड़ी सी पढ़ाई करता हूँ क्योंकि अब सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, क्लास भी लगने लगी है, मैं नहीं चाहता कि मेरी कंडीशन पिछले सेमेस्टर जैसी रहे तो इस बार थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो अभी पढ़ाई करता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। तो पढ़ाई हो चुकी है, अभी मैंने RCC पढ़ा था, सोचा था कि 2 सब्जेक्ट पढ़ लूंगा आज कॉलेज, मुझे RCC पढ़ाया गया था और दूसरा क्या पढ़ाया गया था, दूसरा GIS रिपोर्ट सेंसिक पढ़ाया था, तो सोचा था दोनों कंप्लीट कर लूंगा लेकिन लगता है कि एक ही हो पाएगा, लेकिन बहुत दिनों बाद पढ़ा ना तो धीरे धीरे करके आदत पड़ेगी। फिलहाल तो अभी मेरा कंप्लीट हो गया तो काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ भाई, अब थोड़ी देर फ़ोन चलाऊंगा, माइंड को रिफ्रेश करूंगा, फिर कल फिर से कॉलेज जाना है। अभी फिलहाल तो कुछ वीडियोस वगैरह देखता हूँ, कुछ मूवीज़ देखता हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में मैं सो जाऊँगा। तो फिलहाल टाइम हो गया इस ब्लॉग को एंड करने का, होपफुली आप गाइस आपने एंजॉय किया होगा इस ब्लॉग को, अगर आपने ब्लॉग को कहीं से भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए टाटा बाय बाय।